मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी की जिसका हम वेट कर रहे थे 10,000 आने वाले थे, वो वैकेंसी अब आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज ही की डेट में वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल साइट है उस साइट से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। चलिए बात करते हैं कि बिहार पुलिस बिहार सदनों की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, आपको यहाँ दिखा दें कि 14 क्या दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 14/12/2020 ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी प्राप्त हो चुकी है। आपको अंतिम लास्ट डेट जो है आपको 14/12/2020 की है। जो मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में 10,000 वैकेंसी आने वाली थी, बहुत सारे वीडियोज़ पर मैंने अपलोड किया हुआ था, लेकिन आज ही के डेट में आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 14/12/2020 की अंतिम तिथि है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितनी वैकेंसी आई है, तो 8,400 वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 8,415 वैकेंसी है। मैंने आपको पहले पर बताया था कि अभी आपका वैकेंसी जो होगा 10,000 आएगा दिसंबर में, लेकिन आपकी वैकेंसी जो है 8,415 आ चुकी है। चलिए बात करते हैं कि इन पदों पर किन की नियुक्ति हो सकती है और किन की नियुक्ति नहीं हो सकती। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, इसकी टोटल जानकारी आपको पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ था। और साथ साथ बता रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल जो है बहुत ही जल्द होने वाला है, दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम आपको दिखा दें, चलिए इस पर हम आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से बात करते हैं सिपाही पद के आवेदन के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए ही बना रहा हूँ कि वैकेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोग बहुत सारे उसमें प्यार देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।